हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 के संबंध में बड़ी खबर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। 49,568 पोस्ट के संबंध में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही कम्प्लीट हो चुका था लिखित परीक्षा का, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आपका जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में घोषित किए जाने की जो है सूचनाएं थी, लेकिन उस बीच में रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी आम चुनाव, देश में आम चुनाव हो रहा है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और कल उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उसके संबंध में आखिरकार रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, एक बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। चलते हैं, लेते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनरुत्ति बोर्ड के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाई फाई श्री चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। चलिए लेते हैं पूरी खबर विस्तार से, आखिरकार देखते हैं रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, जो बड़ी खबर प्राप्त हो रही है हमें। ये जो न्यूज़पेपर की एक कटिंग है मित्रों, इस बेस पर हम देख सकते हैं पूरी खबर, लेते हैं देखते हैं। सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी हैं परेशान, लोकसभा चुनाव बाद परिणाम जारी होने की संभावना। तो जो बड़ी खबर निकल के आ रही है मित्रों की, आपका रिजल्ट 25 या 26 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। यहाँ से पूरी खबर लेते हैं, सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का परिणाम घोषित न होने से भर्ती परेशान है। हालांकि इस भर्ती के लिए जनवरी में हुई परीक्षाओं के बाद फरवरी अंत तक परिणाम घोषित होने की बात कही गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिणाम जारी ना होने से वे आगे की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भर्ती बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने परिणाम तैयार कर लिए हैं, चुनाव बाद घोषित कर दिए जाएंगे। परिणाम लेट होने के पीछे एक वजह और बताई जा रही है कि जनवरी 2018 में 48,520 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर चयनितों को 6 महीने का ट्रेनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। प्रशिक्षण का पहला चरण 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें नागरिक पुलिस के 23,520 और दूसरे में 11 नवंबर से पीएससी के 8,000 सॉरी 18,000 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 11 अप्रैल 2020 तक चलेगा। ऐसे में 49,568 पदों के चयनितों का प्रशिक्षण उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, जब 2020 तक इनका प्रशिक्षण चलेगा 41,520, तो इस वजह के नाते जो भी कहीं न कहीं थोड़े चीज़ों जो प्रक्रियाओं को लेट किया जा रहा है जानबूझकर, कि अब 49,568 जैसा कि आपको रिजल्ट आएगा फिर आपका फिजिकल होगा, उसके संबंध में हम खबर लेते हैं। चयनितों का प्रशिक्षण उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। संभव है कि चुनाव बाद परिणाम घोषित कर अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा DBPST कराकर दिसंबर तक परिणाम घोषित कर दिया जाए। हालांकि इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रिजल्ट आपका जो है 25 से 26 मई को घोषित कर दिया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो आप कह सकते हैं कि दिसंबर में घोषित किया जाएगा, आपका जनवरी या फरवरी में मान के चलिए ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल भी जहाँ तक है आपका अक्टूबर सितंबर में फिजिकल करा दिया जाएगा, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बेस पर बोर्ड इसके संबंध में कोई भी अपडेट नहीं दे रहा, जैसा कि आप लोग भी लगातार साइट पर बने हुए हैं UPPRBP पर, लेकिन कहीं किसी पर कोई भी अपडेट आपके रिजल्ट के संबंध नहीं मिला। लेकिन जो बड़ी खबर मेरे प्राप्त हो रही है कि 25 या 26 मई को आपका रिजल्ट 49,568 भर्ती का जारी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनरुत्ति बोर्ड के द्वारा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, फिजिकल में लग जाइए, कोई कोताही मत करिए। फिजिकल भी आपका जहाँ तक है कि सितंबर अक्टूबर तक करा लिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो बड़ी खबर थी, आप तक पहुँचना जरूरी था। खबर अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।